ने ये कथा नारद को सुनाई थी तो नारद प्रदीप्त हो गए थे, और नारद ने ये कथा वेद व्यास को सुनाई थी तो वेद व्यास प्रदीप्त हो गए थे, और वेद व्यास ने ये कथा सुखदेव मुनि को दी थी तो परमहंस प्रदीप्त हो गए थे, और उन्होंने परीक्षित को ये कथा सुनाई जो मृत्यु से पीड़ित नहीं है, मृत्यु के भय से पीड़ित है। मृत्यु उतनी कष्टकारक नहीं है, लेकिन मृत्यु आने का जो भय है वो कष्टकारक है। तो परीक्षित को मृत्यु से नहीं डर रहा है, वो उसके भय से डर रहा है। तो जैसे ही सुखदेव मुनि ने कथा सुनाई तो परीक्षित प्रदीप्त हो गए। तो फिर आप और हम तो योग में, अनुष्ठान में, विधि से सुन रहे हैं। तो ये जो दीपक है इसमें तेल महाविष्णु स्वयं नारायण का है, और हर दिया प्रदीप्त होने वाला है। अब आपका दिया मिट्टी का है, चांदी का है, सोने का है, प्रदीप्त होना है ये निश्चित है, निश्चित है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि पारसमणि की पूरी योग्यता होते हुए भी कि वो एक लोहे को स्वर्ण बना दे, पूरी पूरी योग्यता है कि पारसमणि से एक लोहे का टुकड़ा स्पर्श किया और वो तुरंत स्वर्ण का बन जाएगा, लेकिन एक झीना सा भी कपड़ा बीच में आ गया तो पारसमणि की पूरी योग्यता होते हुए भी वो स्वर्ण नहीं बन पाएगा। तो यदि तो आप अपना मन कहीं और लगा बैठे, कोई दक्षिणा में मन लगा बैठा, कोई अपने कंबल में मन लगा बैठा और कथा हाथ से बिसर गई और अनेक सुनी उसी तरह ये भी सुन ली, तो हाथ पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा। ब्रज के बड़े महनीय संत हैं भट्ट देवाचार्य जी, केशव काश्मीरी जी इनके गुरु थे जिन्होंने केशव देव मंदिर बनवाया। युगल शतक ब्रज की पहली पुस्तक इन्होंने ब्रज भाषा की लिखी थी। कहते हैं इनकी गोद में लाडली जी और रसिक सरकार राधा और कृष्ण दोनों खेला करते थे। एक बार अपने एक भक्त पे इनको बड़ा प्रेम आ गया, उन्होंने कहा कि ये तो मेरा बड़ा प्यारा भक्त है, आज मैं इसे लाडली जी के और कन्हैया जी के दर्शन करा देता हूं। तो उन्होंने उसे बुलाया, कहा कि मेरी गोदी में तुम्हें कछु दिख रहे हो बैठे। अब वो भक्त बोला महाराज मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, गोदी में कौन बैठा है। बोले अच्छा अच्छा तुमको नहीं दिख रहा है, तुम ऐसा करो गोवर्धन की परिक्रमा लगा के आओ तो फिर तुमको दिखेगा। तो उनको गोवर्धन की परिक्रमा लगाने भेजा और परिक्रमा लगाने वो गए और लगा के वापस आ गए। अब देवाचार्य जी ने कहा कि अब आपको मेरी गोदी में कुछ दिख रहा है, कछु दिख रहा है। बोले बाबा मोई कछु ना दिख रहे हो क्या है। तो बोले कैसे लगाई परिक्रमा। बोले कछु ना है, मूंगफली ले गए खरीद के, खाते रहे परिक्रमा लगाते रहे और बस लगाए। दो चार जने गए संग में अपनी बातचीत करते हुए, बोले नहीं नहीं ऐसे मत लगाना, अब की बार कुछ खाने की चीज मत ले जाना, मित्रों को भी मत ले जाना, केवल परिक्रमा भगवान में ध्यान देके लगाना। अब वो भक्त दोबारा गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गए और परिक्रमा करके वापस आ गए। इस बार वो अपने किसी मित्र के साथ नहीं गए, किसी सखा को साथ नहीं ले गए, घर के किसी को साथ नहीं ले गए और मूंगफली को चबेना भी नहीं खरीदा। परिक्रमा लगा के वापस आए और गुरुदेव के पास पहुंचे, कहा कि मैं वहां गया था। बोले अब तुम्हें दिख रहा मेरे गोद में कौन बैठे हैं। बोले मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बोले तुमने परिक्रमा सही से नहीं लगाई है,
नियम तो मैंने जो बताया तुमने बांध के निभाया कि मित्रों को नहीं ले गए, कुछ खाने पीने को नहीं ले गए, मन को भी लगाने, लेकिन मन को तुम अपने मन में क्या क्या सोचते रहे कि घर पे ताला खुल रहा होगा, नल आ गया होगा, पानी कौन भरेगा, साइकिल की चाबी अंदर रखी है कि नहीं रखी है, तो मन बहुत भटक रहा है। तो उनसे कहा एक बार और परिक्रमा लगा के आओ। अब इस बार जो वो भगत थे वो बड़े मन से परिक्रमा लगाने गए और इस बार उन्होंने एक क्षण के लिए भी अपने मन में किसी दूसरे को आने नहीं दिया, केवल नारायण, दूसरा कोई नहीं। प्रेम गली बड़ी सांकरी, जामे द्वे न समाए, दो नहीं आ सकते, नारायण आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, आप स्वयं भी नहीं आ सकते। नारायण मतलब नारायण, सिर्फ भगवान आएंगे। तीसरी बार वो इस भाव से परिक्रमा लगाने गए और लौट के जब आए और भट्ट देवाचार्य जी ने उनसे पूछा कि अब क्या दिख रहा है, बोले मुझे तो आपकी गोद में लाडली जी और रसिक सरकार कन्हैया जी दोनों दिख रहे हैं। तो भगवान जब आपके एकाकी मन को देख लेता है कि अब इस मन में मेरे अलावा कुछ नहीं है, फिर इसमें वो अपना स्थान बना लेता है। लेकिन जब तक एक बार सती माता कपकपाते हुए हाथों से रिक्त कटोरा लेकर वध अंजलि करके कैलाश पर शिव के पास पहुंची, हे प्रभु मुझे वो कथा सुनाइए जिसे सुनने के कारण आप कभी अपनी स्थिति से अलग नहीं होते और मैं बार बार मुझे जन्म लेना पड़ता है, मुझे वो कथा सुनाइए जिससे बार बार आने जाने का क्रम टूट जाता है। भगवान ने कहा ये बड़ी गोपनीय है, ये बड़ी गोपनीय है। मां ने कहा नहीं मुझे सुनाइए। भगवान कथा सुनाने लगे और जैसे ही कथा प्रारंभ की भगवान भाव विहोर होकर भगवान की लीलाओं को देखने लगे, समाधि में चले गए और उधर सती को नींद आ गई। प्रमादेन हतम सुतम, प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण हमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान किया है। वेद एक मनुष्य के 100 शत्रु बताता है, 100, एक जीव के 100 शत्रु हैं। उसमें पहला शत्रु है प्रमाद, आलस्य। जो बचपन में मां कहती है कि बेटा पढ़ ले, आलस्य मत कर, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, फिर गुरु कहता है और फिर उसके बाद जीवन में बॉस कहता है जो आपकी कर्मचारी आपकी कंपनी में होता है, फिर गुरुजन कहते हैं प्रमाद मत करना, इससे बड़ा शत्रु इस जीवन में कोई नहीं है, ये तप नहीं होने देगा, ये जप नहीं होने देगा, ये शरीर को बेकार कर देगा। वो दिन जब कमर 34 हुआ करती थी, लगता था कोई बात नहीं है, मेहनत कर लेंगे जरा सा, फिर वो एक दिन 40 हो गई, अब लगा कि अब कम कर लेंगे, अब मेहनत करेंगे, रोज वर्जिश करने जाया करेंगे, लेकिन आलस्य ने आपको रजाई में से पैर कहां निकालने दिया, उसने कहां सूर्योदय को आपको देखने दिया, भोर के तो दर्शन नहीं करने दिए उसने, उसने ऐसा गर्माहट में आपको जकड़ा। प्रमादेन हतेम श्रुतम, जैसे आलस्य आया आप सुन नहीं पाओगे,